हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी क्लियर ग्लोइंग बाउंसी स्किन का सीक्रेट, जो कि बहुत ही सिंपल एंड इजी है, बट यू हैव टू बी पेशेंट, क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज़ बहुत जल्दी नहीं होती, तो पेशेंट रखना पड़ता है उसको पाने के लिए, और वो धीरे धीरे होता है। तो मैं आज यहाँ पर बात कर रही हूँ अपने टू फेवरेट प्रोडक्ट की, जो अभी मेरे लिए बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं, जो मैं यूज़ कर रही हूँ कुछ टाइम से, उसके बाद मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ आज प्लम राइस वाटर एंड नियासिनामाइड सीरम, जो कि नियासिनामाइड 10% सीरम, जो कि मेरे लिए वर्क कर रहा है बहुत ही अमेजिंगली इस विंटर में। तो ये जो सीरम, जो नियासिनामाइड सीरम है ना, इसमें 10% नियासिनामाइड है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा, आपको बहुत, मतलब बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और बहुत सारी वीडियो में आपको सुनने को मिला होगा कि नियासिनामाइड वर्क बेस्ट वर्क करता है आपके स्किन केयर रूटीन के लिए। तो दैट्स वाई आई एम फॉलोइंग दिस रूटीन, नियासिनामाइड सीरम एंड उसके साथ जेल वगैरह, ताकि ये जो मेरे जो स्किन पे ब्लेमिशेस हैं, थोड़े से जो भी एज के साथ एक हो ही जाता है, तो वो चीज़ें मेरी सही हो जाए। और आप देख सकते हो इसको लगाने के बाद स्किन पे कितना सुंदर अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड हो जाता है, और आपके इसके जो स्किन के पोर्स को ना, उसको मिनिमाइज़ करता है, ब्लेमिशेस को कम करता है, ये जो आपके स्पॉट्स हैं ना, उसको टारगेट करता है, और आपके स्किन बैरियर हेल्थ को ना जो है वो बूस्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है आपको सन डैमेज से। उसको मैं यूज़ कर रही हूँ, इसने जो है इसका प्लम थिंक डर्मा राइस वाटर नियासिनामाइड 2% क्लियर मॉइस्चराइजर जेल क्रीम। ये जेल क्रीम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि बहुत इसका जो टेक्सचर है ना, बहुत ही लाइट वेट है, ये सारे स्किन टाइप को सूट करता है। इसको लगाने के बाद बिल्कुल भी हैवीनेस फील नहीं होता है, और ये क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है आपके स्किन में, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड करता है आपके स्किन को। और जो है इसमें जो 2% नियासिनामाइड है और राइस वाटर एक्सट्रैक्ट है ना, जो कि ब्राइट करता है आपके स्किन को, रिड्यूस करता है आपके ब्लेमिशेस को, और आपके पोर्स को भी टाइट करता है, और आपके सीबम प्रोडक्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। और आपके जो इसमें कैक्टस वाटर भी है, जो कि आपके जो प्यासे से स्किन है ना, उसकी प्यास को बुझाता है। आपको देख सकते हो कितना सुंदर ग्लो प्रोवाइड कर रहा है, मतलब इसको लगाने के बाद ना मेरी स्किन, मतलब जैसे लग रही है कि वाओ, एकदम खिली खिली सी लगती है। और ताकि मैं अच्छे से मसाज करके मैं मेक श्योर करती हूँ कि जो प्रोडक्ट है ना, पूरे से मेरे स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एब्जॉर्ब हो जाए। तो आई लव दिस प्रोडक्ट, बट एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि इन किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले आप पैच टेस्ट जरूर कर लें। ये प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत ही अच्छा वर्क किया, मे बी आपके लिए भी करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।